हेलो एवरीवन वेलकम टू अर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट सो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सोशोलॉजी के पेपर वन की बात की थी पेपर वन के सिलेबस की हम लोगों ने बात की थी आई होप यू इज़ अ फेमिलियर विद द सिलेबस बट या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार ये ज़रूरी होता है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो नॉट अबाउट ओनली दिस एग्ज़ाम कि हमें उसका सिलेबस और बैकग्राउंड पता हो कि वॉट वी नीड टू कवर तो बिफोर कवरिंग द एम सी क्यू ऑफ दिस एग्जाम बिफोर कवरिंग द वेरियस थिंकर ऑफ दिस एग्जाम इट बिकम नेसेसरी टू कवर द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम तो फर्स्ट डे हम यहाँ का सिलेबस देख रहे हैं एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट कवरिंग द सोशोलॉजी सोशलॉजिस्ट जो भी यहाँ पे मैंशन है कुछ एम सी क्यू कुछ कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे पेपर वन हम लोग देख ही चुके थे अब अगर हम लोग पेपर uh, टू की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन यूनिट हैं एज यू कैन सी सोशल रिसर्च प्रस्पेक्ट टिव ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल थियोरीज राइट तो ये तीन यूनिट है अब जितना ऐसा नहीं है तीन यूनिट कम सिलेबस दिख रहा है तो बहुत ही कम कंटेंट है देखो इलाबरेटिव वे में चीज़ें हैं डिफरेंट कंसेप्ट हैं चीज़ों के टाइप्स होते हैं थिंकर्स होते हैं एसोसिएटेड बुक्स होती हैं थिंकर से रिलेटेड वेरियस कंसेप्ट किसने दिया किसने कॉइन किया कब वो चीज़ किसने आगे उसको यूज़ किया है वेरियस कंसेप्ट जो आ, अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं तो बहुत सारी डिटेलिंग हो जाती है कवर करने के लिए सोशल रिसर्च में देखेंगे रिसर्च एक बहुत लाइक रिसर्च like, हम बोलेंगे कि एक छोटा सा फिनोमेना नहीं है रिसर्च अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है रिसर्च लाइक like, जो आप लोग पीएचडी वगैरह करते हैं दे डू द रिसर्च प्रोसेस ना वो रिसर्च ही तो कर रहे हैं अल्टीमेटली तो रिसर्च में हमारे पास देखो थियोरिटिकली यहाँ पे जो है वो आपको पहले सर्वे क्या होता है रिसर्च क्या होता है उसका मीनिंग एंड टाइप्स पर बात करनी है ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है जब ऑब्जेक्टिविटी पढ़ोगे तो सब्जेक्टिविटी भी साथ में देखना पड़ेगा कि ये क्या है और ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को आप किस तरीके से अपने सोशल रिसर्च में यूज़ करते हो देन आपका पैरेडेम एंड थ्योरी क्या है वैसे तो ये मैंने जो इग्नू एमएस सोशियोलॉजी वाली वीडियो बनाई है उसमें भी ये अवेलेबल है एम एमएसओ टू की वीडियो में अगर आप एम एमएसओ टू की प्लेलिस्ट देखेंगे तो इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी राइट लाइक पैरेडेम शिफ्ट की बात मिल जाएगी ऑब्जेक्टिविटी मिल जाएगी Uh, आपके सोशल रिसर्च के टाइप मिल जाएंगे सैम्पलिंग के टाइप्स मिल जाएंगे हाइपोथेसिस मिल जाएगा रिसर्च डिज़ाइन की वीडियो मिल जाएगी बट वो सब्जेक्टिव वे में आंसर है यहाँ पे अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहेगी कि किस तरीके से ये पढ़ के हम लोग एम सॉल्व करें तो एक अप्रोच से सारे पेपर नहीं सॉल्व होते हैं आई टोटली एग्री डैट वाई विल वर्क ऑन दिस ठीक है तो यहाँ पे फिर आपका रिसर्च डिज़ाइन uh, और उसके क्या मीनिंग है और उसके टाइप कितने होते हैं हाइपोथेसिस एग्जैक्टली क्या है कितने टाइप हैं सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी कितने टाइप क्या है uh, अलग अलग से क्वेश्चन आ सकता है देखो स्टेटमेंट दे देगा पूछ लेगा ये कौन सा टाइप ऑफ सैंपलिंग है प्रोबेबिलिटी में जाता है या नहीं जाता है तो ये सब चीज़ें देखनी है डेटा आप कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स क्या है उसमें भी देन इंटरव्यू क्वेश्चन ईयर क्या होता है ऑब्जर्वेशन क्या होता है पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कुछ थिंकर्स का नाम देके पूछ सकता है कि वेदर uh, मतलब इन्होंने कौन सा वे यूज़ करा डेटा कलेक्शन का मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन आगे दे रखे हैं आपको केस स्टडी मेथड होता है कंटेंट एनालिसिस होता है कल्चरल स्टडी अप्रोच डिसकोज डिस्कोर्स एनालिस एनालिसिस कर सकते हो आप एथनोग्राफी कर सकते हो तो बट इज एथनोग्राफी देखो इसके तो काफ़ी कंसेप्ट आपको जो एम एस ओ टू की प्ले लिस्ट है वहाँ से मिल जाएंगे जिसने uh, इग्नो की वीडियो देखी होंगी उनको ये चीज़ें क्लियर होगी बट नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं uh, अगर लग रहा है तो टॉपिक फास्ट फॉरवर्ड करके बेसिक आइडिया ले सकते हो अगर बिल्कुल जीरो आइडिया है तो बाकी अगर जीरो आइडिया नहीं है कुछ कुछ आइडिया है तो वो जस्ट वेट फिर सीधा प्रैक्टिस ही करेंगे क्वेश्चन की देन इंडियन सोसाइटी अब यहाँ पे मामला गड़बड़ है वाला सीन हो जाता है क्यों क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता है ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की वैसे तो देखो आपने नेट निकाला होगा तो नेट सेट निकाले हुए होंगे आप लोग सारे तो आपके एक इंटेलेक्चुअल लेवल ऑलरेडी सेट है तो मैं ये नहीं मान रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी मैं मानती हूँ कि आप लोगों के पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ नॉलेज है यू जस्ट नीड कि आपकी नॉलेज को ब्रश अप करा जाए रिवीज़न करी जाए साथ में मिलकर राइट यू ओनली नीड इज़ द थिंग दैट यू ओनली नीड इज़ द रिवीज़न कि रिवीज़न हम लोग प्रॉपर कर पाएँ नॉलेज हम सबके पास है चीज़ें हम सबको पता है बट समाइम याद नहीं रह पाती हैं सारी फैक्चुअल चीज़ें ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो अलग अलग रूलर अर्बन एरिया ट्राइबल की स्टडी में अलग अलग थिंकर आप देख रहे हो देखो रूलर अर्बन रूलर अर्बन ट्राइबल हमारे पास स्टडी है जेंडर स्टडी है सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट किस तरीके से इंडिया में हुई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एम एन श्रीनिवास को पढ़ना है एस सी दुबे को पढ़ना पढ़ना है एन्द्रे बेते को पढ़ना है एम एस ए राव को पढ़ना है डिसूजा को पढ़ना है मीरा कोसाम्बी को पढ़ना है के एस सिंह को पढ़ना है एस एल दोषी को पढ़ना है वर्जिनस इतना इसको आप जैगज़ा पढ़ते हैं हम राइट जाकजा वर्जनस जैगज़ा देन नीरा देसाई शर्मिला रेज बीना अग्रवाल फिर यहाँ पे इंडोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है इंडोलॉजिकल पढ़ोगे तो जीएस एस घोरे का नाम हमें देखना ही देखना पड़ेगा इसमें टेक्शुअल प्रस्पेक्टिव क्या है मार्क्सियन परसपेक्टिव क्या होता है सिविलाइजेशन ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रस्पेक्टिव जिससे आप आ, इंडिया की सोशोलॉजी इंडिया में जो सोशोलॉजी डेवलप हो रही है इंडिया में सोशलो का जो इमरजेंस हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें यहाँ कवर करनी है सोशोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी जैसे हम कहते हैं ना ये पर्सन इस ग्रुप से बिलोंग करता है ये पर्सन फंक्शनलिस्ट है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट से आता है ये न्यो लिबरलिज्म अप्रोच से आता है तो वट ऑल दीज अप्रोचेज अबाउट ये सारी जो अप्रोचेज हैं ये सारी जो थ्योरीज हैं ये सारे जो ग्रुप डेवलप हुए हैं ये किस पे बेस हैं हर ग्रुप के कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते होंगे जो आगे थिंकर्स से शेप हुए हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म नियो फंक्शनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्सियन थ्योरी नियो मार्क्सियन फिनोमिनलॉजी क्या है एथनोमेथेडोलॉजी क्या है सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिजम फैमनिज्म स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चुरेशन पोस्ट स्ट्रक्चुरिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म अब यहाँ पर थिंकर्स के नाम लिखे तो नहीं है तो क्या पढ़ने नहीं है इस यूनिट में नाम बिल्कुल ऐसा नहीं है यहाँ भी थिंकर्स हमें कोट करके चल रहे हैं इन पर्टिकुलर थ्योरीज से रिलेटेड इन पर्टिकुलर अप्रोचेज और प्रस्पेक्टिव से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं उनके नाम भी हम

पेपर टू पेपर वन पेपर टू पे हम लोग बात करके चलेंगे सोशलॉजी रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चैनल पे चीज़ें कवर करके चलेंगे इन केस अगर आपको और भी कोई डाउट है यू वॉन्ट मी नो मेक लाइक कोई भी आपको चीज़ चाहिए कि इस चीज़ पे आप वीडियो बनाओ या ये टॉपिक हमें पहले करना है ये चीज़ हमें पहले करनी है देन यू कैन कैर इट इन द कमेंट बॉक्स आप लोगों के डाउट आप लोगों की क्वेरी आप लोगों की नीड के हिसाब से विल ट्राई टू मेक द कंटेंट ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग